कपिल मिश्रा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार का दौर और तेज होता जा रहा है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे कर रहे हैं। दोनों के बीच ये रार अब उनके परिवारों तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी से निलंबित कपिल मिश्रा इस बार ट्विटर पर दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से ही उलझ गए। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने अपने पति का बचाव करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि प्रकृति का न्याय कभी गलत नहीं होता है। विश्वासघात और झूठे आरोपों के बीज बोए जाएंगे तो हालात ऐसे ही होंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के ट्वीट के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट के जवाब में एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। कपिल मिश्रा ने सुनीता केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा कि सुनीता केजरीवाल जी साधना में रत पत्नी हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्हीं के घर में कैसे कैसे कुचक्र रचे जाते हैं। वो अपना धर्म निभा रही हैं। सुनीता केजरीवाल जी सच से अनजान हैं। वो अपने पति के पतन से परेशान हैं। उनकी हर गाली सिरमाथे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहूंगा। जिसके बाद सुनीता केजरीवाल ने कपिल को एक ट्वीट किया, जिसमें उस दिन का जिक्र किया जिस दिन कपिल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते देखा। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, मुझे दीदी बोलते थे और घर में 2 करोड़ आए बताते तो, अच्छा 5 तारीख को कब आए पता ही नहीं लगा, चाय पूछती थी ना आपसे हर बार। जिसके थोड़ी देर बाद एक दूसरे ट्वीट में कपिल ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा, सर सुनीता जी का फोन उन्हें वापस दे दो। साफ है कपिल मिश्रा और केजरीवाल के बीच ये जंग अब उनके परिवारों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।